आज हम आपको उस जमाने की सैर कराएंगे जहां एक अभिनेत्री पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी, पर किस्मत के खेल के आगे उसे घुटने टेकना पड़े और 1945 में सिर्फ 30 साल की उम्र में दुनिया को विदा कहा। जज्बा और कलाकारी से उस महिला ने इतनी कामयाबी बटोरी जिसके चलते वो उस जमाने की सबसे अमीर अभिनेत्री कहलाई। सिंगर, डांसर, अभिनेत्री, कवयित्री, ऐसे कई सारे गुणों के साथ जन्मी जहां आरा कज्जन उर्फ कज्जन बाई को आज शायद ही कोई पहचानता हो। कज्जन बाई के अलावा मिस कज्जन के नाम से भी वो चर्चित रही। 15 फरवरी 1915 को लखनऊ की मशहूर तवायफ सुग्गन बाई के घर कज्जन बाई का जन्म हुआ। आज के जमाने के लोग तवायफ को देह विक्री समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। जो हसीनाएं नवाबों और राजाओं के समक्ष नृत्य कला प्रकट करती हैं, उसे तवायफ कहा जाता है। पर समय के साथ तवायफ को देह विक्री वाले कोठे से जोड़ दिया गया और मशहूर तवायफ का नाम शर्मिंदगी में डूब गया। सुग्गन बाई की तरह कज्जन बाई भी बहुत खूबसूरत थी, पर उनकी मधुरमय आवाज भी कुछ कम नहीं थी। मशहूर गायिका नूर जहान ने कज्जन बाई से ही तालीम ली थी। सौंदर्य और आवाज के साथ वो पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल रही। उस जमाने में ज्यादातर तवायफ शास्त्रीय संगीत और नृत्य कला के अलावा किसी भी अन्य चीज को सीखना पसंद नहीं करती थी, पर कज्जन बाई ने अंग्रेजी में महारत हासिल की और बाद में नाटकों में भी हिस्सा लिया। इसके चलते उन्हें एक्टिंग के ऑफर्स आने लगे। 1930 के जमाने में जहां मुकपट फिल्म में इतिहास जमा हो रही थी और टॉकीज फिल्मों का दौर शुरू होना था, ऐसे में हर कोई चाहता था कि वो सबसे पहले टॉकीज फिल्म बनाए। पर आलम आरा ने बाजी मारी और अर्देशिर ईरानी की ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। पर खेल तो अभी शुरू होना था। उसके कुछ दिनों बाद जमशेद जी मदन साहब की शिरीन फराद फिल्म रिलीज हुई, जिसमें खुद कज्जन बाई बतौर एक्ट्रेस और सिंगर थी। इस फिल्म में कुल 42 गाने थे जिसके चर्चे उस जमाने में खूब हुए। मास्टर निसार और कज्जन बाई की जोड़ी सिनेमा घरों में खूब पसंद की गई और आलम आरा फिल्म ने जो क्रेज बनाया था उसे कज्जन बाई ने अपनी ओर खींच लिया। देश विदेश में मशहूर होने के बाद 1932 की फिल्म इंद्रसभा में कज्जन बाई ने एक और तहलका मचा दिया। इस बार भी 71 सॉन्ग्स के साथ ये 3 घंटे की मूवी सुपर हिट रही। सबसे अधिक गानों वाली फिल्म के रूप में आज भी इंद्रसभा का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा नहीं है। मदन थिएटर के साथ कज्जन बाई ने 8 फिल्में की, जिसमें शकुंतला, अली बाबा और 40 चोर, आंख का नशा, जहरी सांप शामिल है। पर 1936 में मदन थिएटर के साथ हुई अनबन ने कज्जन बाई को जोर का झटका दिया। कंपनी ने उन पर केस कर दिया, जिसके चलते उन्होंने कोलकाता की सारी संपत्ति छोड़ दी। पर इस हार से कज्जन बाई उभर के आई और खुद की थिएटर कंपनी की स्थापना की। जहां आरा थिएटर कंपनी भारत के अलग अलग शहरों में घूमती थी, जिससे कज्जन बाई ने एक और बार अपना दबदबा जमा के दिखाया। 1941 में कज्जन बाई मुंबई आई और यहाँ रहकर 7 फिल्मों में काम किया, पर दुर्भाग्य से पृथ्वी वल्लभ के अलावा कोई भी फिल्म चल नहीं पाई। जिंदगी के उतार चढ़ाव को सहने वाली कज्जन बाई कैंसर को मात नहीं दे पाई और मात्र 30 साल के उम्र में ही उनका देहांत हो गया। वो न सिर्फ एक सिंगर थी पर एक कवयित्री भी थी। कहा जाता है उन्हें अपने पहले फिल्म के को-स्टार मास्टर निसार से प्यार हुआ था, पर कुछ समय के बाद ये दोनों अलग हो गए। बंगाल की बुलबुल, लाख ऑफ हिंदी सिनेमा के रूप में आज भी कभी कभी कज्जन बाई को याद किया जाता है। तो मैं थी आपकी आरजे अनु। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।